हेलो गाइज, तो हमने पिछली वीडियो में जूलॉजी थर्ड बुक के 22 क्वेश्चनों को रीड किया था। तो आइए आगे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस पदार्थ से अस्थि कैंसर और ल्यूकेमिया होता है? तो स्टेनसियम, यूरेनियम, सीजियम, आयोडीन। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, स्टेनसियम से अस्थि कैंसर और ल्यूकेमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 24, अलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो अलिसा टेस्ट तो सभी को मालूम होगा, अलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। और एक अलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, संचार आमतौर पर किसके बराबर माना जाता है? तो संचार प्रोत्साहन के, छाप के, जैविक घड़ी के, सामाजिक व्यवहार के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, सोशल बिहेवियर के। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक रेट्रोवायरस का उदाहरण है? पोलियो वायरस, एड्स वायरस, फेलव्यू वायरस, हर्पिस वायरस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, एड्स वायरस। गैस्ट्रिक अल्सर का कारक जंतु है? वाइब्रियो कोलेरा, ई कोलाई, कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एड्स को प्रथम बार यूनाइटेड स्टेट्स में रिपोर्ट किया गया था? वर्ष 1999 में, 1989 में, 1981 में, 1998 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1981 में इसको रिपोर्ट किया गया था। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम का उदाहरण है? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी, एन एरोबिक मर्दा बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक न्यूड्यूल बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी, सिम्बायोटिक न्यूड्यूल बैक्टीरिया, क्योंकि जो राइजोबियम होता है वो न्यूड्यूल में, बैक्टीरिया न्यूड्यूल में ही रहता है। जीव वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए रेडिएशन प्राय नापा जाता है? रेड में, NTU में, US से कौन सी सेंटीमीटर में, PPM में। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए रेड में। क्वेश्चन नंबर 31, यह नदी व झीलों को प्रदूषित करते हैं, क्या करते हैं? अपमार्जक, आणविक ऊर्जा, धौनी, CFC। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए अपमार्जक, यानी कि जो सर्फ साबुन वगैरह होते हैं ये नदी झीलों को प्रदूषित करते हैं। यह सर्कुन्वल आवर्तन नहीं है, परिगमन, शीत, निष्क्रियता, प्रजनन रिप्रोडक्शन, हृदय गति, यानी कि हार्ट बीट। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न वाक्य तो वायरस के लिए सही है, देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी है, इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर सी है, ये सूक्ष्म होते हैं उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, ल्यूनर रिदमस होता है लगभग 29.4 दिन या 12.4 दिन या 14.7 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, दिन। क्वेश्चन नंबर 36 है, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 है, जलीय अनुकूल के लक्षण हैं, जलीय अनुकूल के लक्षण हैं, फिन की उपस्थिति, वायुकोश, त्वचा में बलबर, पार्श्व रेखा तंत्र। ऑप्शन बी है, वायुकोश, वायु वायु फिन की उपस्थिति, वायुकोश, त्वचा में बलबर, पार्श्व रेखा तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ल्यूनर रिदमस होता है लगभग, ये गाइस 29.4 दिन का होता है, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राणी पलवक है जैसे स्टोनसी प्रिस,
उत्पादक है, अपघटक है, तृतीय उपभोक्ता है या प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 37, 50% कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों की सांद्रता या खुराक को कहा जाता है? LB50, LD50, LE50, LC50। तो ऑप्शन नंबर बी, LD50 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, ई कोलाई है 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, 1 प्रोटोजोआ, 1 बैक्टीरियोफाज। तो ई कोलाई जो होता है 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सहज व्यवहार उपार्जित व्यवहार से भिन्न है क्योंकि यह अनुवांशिक में भिन्न है, स्टाइल में भिन्न है, लंबाई में भिन्न है, रिफ्लेक्स में भिन्न है। तो अब क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट है, अनुवांशिक में भिन्न है, इनहेरिटेंस। जन्मजात व्यवहार भी कहलाता है इंसेक्टिव व्यवहार, एक्वायर्ड व्यवहार, स्टीरियोटाइप्ड व्यवहार, उपरोक्त ए व सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, इंसेक्टिव व्यवहार और स्टीरियोटाइप्ड व्यवहार। यह एक रूढ़ व्यवहार नहीं है, गतिक्रमण, अनुचलन, संचार और नैसर्गिक वृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यह पक्षी परिगमन की उत्तेजना का विनिमयक है, ठंड, पर्यावरणीय प्रकाश विधि, भोजन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, अध्यकन व्यवहार को भी कहते हैं सामाजिक व्यवहार, डिस्प्ले व्यवहार, पीछे करने का व्यवहार। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, पीछे करने का व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 44, सामान्य वार्तालाप में प्रयुक्त ध्वनि तीव्रता के लगभग सीमाएं हो सकती हैं, 1 से 2 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी, 120 से 140 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी, 35 से 60 डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर डी, 35 से 60 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 45, इकोसिस्टम के 3 आवश्यक तत्व हैं, वायु, जल, मृदा, सूर्य, जल, मृदा, जीवधारी, पर्यावरण और ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीयक एरोसोल पर जल वाष्प के संघनन से होता है, CFC, UV, अम्लीय वर्षा, समुद्र जलस्तर में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, जैविक लिए विनियमन सुधारता है स्वास्थ्य को, निद्रा को, पाचन को, उपरोक्त सभी। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा शब्द 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को दर्शाता है? नीके, प्रवास, ऑप्शन नंबर सी जन्म दर, ऑप्शन नंबर डी इकोटोन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इकोटोन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, किस देश में कीटों के जैविक नियंत्रण पर बहुत कार्य किया गया है? जापान, रूस, USA, UK। तो ऑप्शन नंबर सी USA में। क्वेश्चन नंबर 50, वायवीय अनुकूलन दृष्टिगोचर होता है पक्षियों में, मछलियों में, सरीसृपों में, स्तनधारियों में। तो ऑप्शन नंबर ए, वायवीय जो अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है, जो न्यूमेटिक एडेप्टेशन जो होता है वह एवीज यानी के पक्षियों में होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं 50 क्वेश्चनों के और साथ। तब तक के लिए थैंक यू।